Hello students, welcome on English Literature Topics YouTube platform. Students, in this class, I am going to tell you a very important literary device, and the literary device name is allegory. So, question is, what is allegory? Let's begin. Allegory is a long narrative that uses a seemingly unrelated story to teach a lesson or prove a point. It is the first definition or literal meaning of allegory. Then, as a literary device, an allegory is a narrative in which a character, place, or event is used to deliver a broader message about real world issues and occurrence. Writers and speakers typically use allegories to convey semi or hidden or complex meanings through symbolic figures, actions, imagery, or events, which together create the moral, spiritual, or political meaning the author wishes to convey. अभी तो ये आपने definition जो है देख ली, but I hope कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या चल रहा है. फिर भी मैं आपको clear कर देती हूँ. देखो बच्चों, जो allegory है वो एक literary device है. हम literature के student हैं तो ये सभी literature student के लिए important है. तो एलिग्री का लिटरेचर में क्या यूज़ है? देखो, जो राइटर्स होते हैं या आप बोल सकते हैं कि जो ड्रामेटिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको कुछ ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है जो रिलीजियस है, कुछ मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो, चाहे आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो, कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, सपोज़ कि वो पॉलिटिकली, उनको पॉलिटिकल इशू कुछ लग रहा है और उनको वो लोगों को दिखाना है, पॉलिटिकल इशू लग उनको कुछ दिखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिकल अपहेल्स चल रही है, कुछ पॉलिटिकल गड़बड़ चल रही है और उनको वो लोगों के सामने लानी है, तो वो डायरेक्टली बोलने के बजाय क्या करते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें वो लेते हैं जो क्या होती है, इनडायरेक्टली वो स्टोरी बताती है. डायरेक्ट वो स्टोरी नहीं बताती कि क्या चल रहा है, इनडायरेक्टली वो स्टोरी बताती है. कैरेक्टर्स के नाम और सब सिम्बॉलिक लिए जाते हैं, ठीक है. एक तरह से बोलते हैं कि जो इन रियल, जो रियल उनको जो चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, रियल रिप्रेजेंट करने के बजाय वो क्या करते हैं, उसको अदर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, एलेग्री इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव. ये एक लॉन्ग नैरेटिव, ये एक एपिक हो सकती है, एक नॉवल हो सकती है, एक नॉवला हो सकती है, ठीक है, ये एक पोएम हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है. एक लॉन्ग नैरेटिव होती है ये, दैट यूजेस अ सीमिंगली अनरिलेटेड स्टोरी. ये एक अनरिलेटेड स्टोरी बताती है जिसमें क्या होगा, टीच अ लेसन और प्रूव अ पॉइंट. ये एक लेसन सिखाती है आपको, कुछ मॉरल लेसन सिखाएगी या कुछ भी सिखाएगी ये स्टोरी या जो भी है. ये लॉन्ग नैरेटिव एक स्टोरी हो सकती है, एक नॉवल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक पोएम हो सकती है. तो ये आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई मॉरल लेसन, कोई लेसन जरूर सीखने को मिलेगा और प्रूव अ पॉइंट, और एक पॉइंट को प्रूव करती है ये. इतना क्लियर हुआ? देन एज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के जैसे, एन एलेगरी इज अ नैरेटिव इन विच ए कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर, प्लेस, जगह और इवेंट, कोई भी इवेंट, इज यूज टू डिलीवर अ ब्रॉडर मैसेज. अगर लिटरेरी डिवाइस की तरह ये यूज़ होती है तो यहाँ जो कैरेक्टर होगा, चाहे वो प्लेस होगा, चाहे वो इवेंट होगा, कुछ भी क्या होगा, एक ब्रॉडर मैसेज देगा आपको अबाउट रियल वर्ल्ड. इस रियल वर्ल्ड के बारे में एक बहुत बड़ा आपको मैसेज देगा. इश्यूज एंड अकेरेंस, जो भी रियल वर्ल्ड में इश्यूज चल रहे हैं, अकेरेंस चल रही है, अपहेवल्स चल रही है, उनके बारे में कोई ना कोई मैसेज आपको जरूर देगा जब लिटरेरी डिवाइस के जैसे एलेग्री यूज होगा. राइटर्स एंड स्पीकर्स टिपिकली यूज एलेग्रीज टू कन्वे. राइटर्स और स्पीकर यूज करते हैं एलेग्री को टू कन्वे करने के लिए सेमी और हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स. सेमी, हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग मतलब जब राइटर्स कोई अपनी राइटिंग लिखेगा तो उसमें कोई हिडन मीनिंग देखने को मिलेगा आपको, मतलब एलेग्री को जब यूज़ करेगा, कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करेगा उसके, या प्लेस या इवेंट, तो वहाँ कोई हिडन मीनिंग जरूर होगा. कॉम्प्लेक्स मीनिंग हो सकता है थ्रू सिम्बॉलिक फिगर, और किसके थ्रू यूज़ करेगा, सिम्बॉलिक फिगर, कुछ ऐसे फिगर दे देगा, सिम्बॉलिक फिगर. एक्शंस, कुछ ऐसे सिम्बॉलिक एक्शन दे देगा. इमेजरी, कोई ऐसी इमेजरी, कोई इवेंट्स ऐसे दे देगा जिससे आपको एक हिडन मीनिंग उसका समझ में आ जाएगा. विच टुगेदर
क्रिएट द मॉरल, और वो क्या करेंगे आपको मॉरल स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मीनिंग द ऑथर विशेस टू कन्वे. ऑथर चाहे तो पॉलिटिकल इशू, चाहे स्पिरिचुअल इशू, चाहे मॉरल लेसन, कुछ भी हमें देना चाह रहा हो वो एलिग्री यूज करके अपनी राइटिंग में आपको दे सकता है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. देखो एलिग्री जो है वो एक लिटरी डिवाइस है. इसको जो राइटर है वो क्यों यूज़ करता है, अगर कोई राइटर चाहे उसको नॉवल लिखनी हो, चाहे उसको पोएम लिखनी हो, चाहे उसको नॉवला लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो, तो वो अगर सोच रहा है कि उसको कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि धार्मिक तरीके से भेदभाव नज़र आ रहा है, अगर इस दुनिया में कोई उसे जो है राजनीतिक तरीके से भेदभाव नज़र आ रहा है, या उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, नेता अच्छे नहीं हैं, या वो हमारे साथ एक्सप्लोइटेशन हमारा विरोध कर रहे हैं, या हमारा जो है एक तरह से जो है एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, और जो है उसको अगर स्पिरिचुअल दिखाना हो, है ना, धार्मिक तरीके से दिखाना हो, उसको कुछ भी इस वर्ल्ड को दिखाना है पर वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा है, डायरेक्टली बोलने के बजाय वो कुछ ऐसा लिख देगा जिससे आपको उसका जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो मैसेज समझ में आ जाएगा. वो कुछ ऐसा लिख देगा. कैसे लिखेगा वो? इनडायरेक्टली कुछ ऐसे सिम्बॉलिक जो है कैरेक्टर यूज़ करके, कोई प्लेस, कोई ऐसी जगह यूज़ करके, कोई इवेंट्स यूज़ करके, मतलब एक तरह से वो उस बात को स्पष्ट ना बोल के एक अस्पष्ट तरीके से, एब्जर्ड तरीके से बोल सकता है, तब आपको उसका जो वो मैसेज जो कन्वे करना चाह रहा है राइटर वो समझ में आ जाएगा. तो ये एक एलिग्री की डेफिनेशन है सिंपल सी. अब एलिग्री की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बी ए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं MDS यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन में, उनके सिलेबस में है एक एनिमल फार्म, है ना, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म एक आपके जो है नॉवेला है. उस नॉवेला में क्या है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है. मैंने ये एग्जांपल इसलिए बोला है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है. ये ऐसा है, इस नॉवेला में चल रहा है कि बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे पर सारे एनिमल कैरेक्टर हैं. एनिमल फार्म एक ऐसा फार्म जिसमें एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, कोई पिग है वहाँ, कोई घोड़ा है, कोई बकरियाँ हैं, सब तरह के इसमें एनिमल्स हैं. पर इस स्टोरी में एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल हमें कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, वो पॉलिटिकल जो है इसमें एलिग्री दिखाई गई है. पॉलिटिकल एलिग्री कैसे दिखाई गई है, जब जो है रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन इसमें दिखाया गया है. जॉर्ज ऑरवेल ने रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ था वो अपनी नॉवल या अपनी जो नॉवेला है जो एनिमल फार्म, उसमें उन्होंने दिखाया है. सारे कैरेक्टर्स उन्होंने दिखाए हैं, कार्ल मार्क्स को दिखाया, उन्होंने स्टालिन को दिखाया है, सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, पर कैसे दिखाए हैं, उनको एनिमल के नाम दे दे के दिखाए हैं. तो इनडायरेक्टली उन्होंने वो रशियन रिवॉल्यूशन पे जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो हमें वो कन्वे करना चाह रहे हैं. एक तरह से पॉलिटिकल एलेगरी है वो, पर उन्होंने एक जो है बच्चों की स्टोरी फेबल के जैसे उसको दिखाया है. सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने एनिमल के लिए हैं, ठीक है. 1945 में आई थिंक जो है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म आई थी, और 1917 में जो है जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस रशियन रिवॉल्यूशन पे पूरी तरह से जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने अपनी बुक एनिमल फार्म में लिखा. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एलिग्री क्या होती है. एलिग्री में कोई भी राइटर अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड हो, तो वो डायरेक्टली उस मैसेज को कन्वे ना करके कुछ ऐसे पात्र, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे इवेंट्स ले लेगा जो इनडायरेक्टली उस मैसेज को कन्वे करेंगे. सो अब आप दो तीन एग्जांपल्स इसके देख लीजिए एलिग्री के. सो यहाँ मैंने आपके सामने एलिग्री के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. फर्स्ट मैंने आपको जॉर्ज ऑरवेल का भी बताया था. जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म जो है 1945 में पब्लिश हुआ था, वो कैसी एलिग्री है. फिर जॉन बनियंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिग्री द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक रिलीजियस एलिग्री है, 1678 में पब्लिश हुई. इसमें दिखाया गया है कि एक जो इंसान है वो अपनी यात्रा पर निकलता है, उसके यात्रा में कितने ज़्यादा उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कितनी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करके वो कैसे हेवन में पहुंचता है, उसके सामने कितने लोग उसे रुकावट बनते हैं. तो एक तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की लाइफ इसमें बताई गई है कि एक इंसान जब कुछ अच्छा करने जाता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, उसे रोकते हैं, पर वो कैसे उन ऑब्स्टिकल्स का सामना करता है, कैसे अपनी जो है अपनी मंजिल तक पहुंचता है. तो ये इसमें डायरेक्टली लेसन दिया गया है, मॉरल लेसन. फिर जोनाथन स्विफ्ट की है गुलिवर ट्रेवल्स,
1726 में ये पब्लिश हुई है। तो ये जो है गुलीवर्स ट्रेवल, इस पर मूवी भी है, आपने देखी होगी, जो हिंदी में भी इस पर एक मूवी बनी हुई है, हिंदी मूवी है इसकी, जदंतरम ममंतरम, जदंतरम ममंतरम, जो एक हम लोग उसको कार्टून मूवी बोलते हैं, बच्चों की मूवी बोलते हैं। तो इन्होंने इस गुलीवर्स ट्रेवल एक ऐसी कार्टून पिक्चराइजेशन करके एक बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल एलेगरी है ये। उन्होंने उस टाइम के जो राजा हैं उनका जोर्ज जो थे उनका कैसे उन्होंने उनके अगेंस्ट रहे हैं ये, तो वो उन्होंने बताया है कि वो कैसे पपेट की तरह सबको अपना डांस करवाते थे, वो सब इन्होंने इस गुलीवर्स ट्रेवल में बताया है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, जो 1590, इस पे 6 बुक हैं 1590 से 1596 तक। तो फेरी क्वीन में भी एक ये भी एक हिस्टोरिकल, एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल जो है एलिग्री है। इसमें क्वीन के बारे में बताया गया है कि वो कैसे इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट रहता है। फिर जॉन किट्स की पोएम और टू ऑटम, ये तो आपने आपके बीए सेकंड ईयर में आई थिंक एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो आपको आपने पढ़ी है, सबको पता है। ये दो एग्जांपल्स तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। एनिमल फार्म आपके बीए थर्ड ईयर में है एमडीएस यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में, और टू ऑटम आपके सेकंड ईयर में है, 1820 में ये पोएम पब्लिश हुई है। तो जॉन किट्स में इसने कैसे टू ऑटम में एलिग्री दिखाई है, इसके सेकंड स्टेज में आई थिंक इन्होंने एक लड़की से कंपेयर किया है ऑटम को, ठीक है, एक गर्ल से कंपेयर किया है कि वो एक गर्ल के जैसे एक हार्वेस्ट जो काटने वाली लड़की है उससे कंपेयर किया है ऑटम को। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एलिग्री इन्होंने इसमें टू ऑटम में दी है जॉन किट्स ने। इसे एक सटल आप एलिग्री बोल सकते हैं, सटल यूज ऑफ एलिग्री इन्होंने अपनी पोएम में दी है, ठीक है। इन्होंने जो है ऑटम सीजन जो है उसमें एक फीमेल फिगर दे दिया अमिड द सीन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द हार्वेस्ट उसके बीच में। सो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दी, इसके अलावा इसके बहुत सारे एलिग्री के एग्जाम्पल हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको समझना था कि वॉट इज़ एलिग्री। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि एलिग्री क्या है। एलिग्री जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, उसको राइटर, उसको ड्रामेटिस्ट, उसको प्ले राइट, उसको नॉवलिस्ट इसलिए यूज़ करता है ताकि वो जो मैसेज जो है रीडर को कन्वे करना चाह रहा है उसको वो इनडायरेक्टली कन्वे करे, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा प्लेस या कोई ऐसे कैरेक्टर लेके, सिंबॉलिक कैरेक्टर लेके जो दिखने में जो है आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आए पर उसके पीछे कोई ना कोई मॉरल लेसन, कोई हिडन मीनिंग छुपा हुआ रहे और वो आप समझ सको। तो मैंने आपको एनिमल फार्म का एग्जांपल और टू ऑटम का एग्जांपल तो अच्छे से दे ही दिया क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी ये भी आप पढ़ लोगे और इन पर देख लेना, आपको एलिग्री आई होप समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।